ज्यादा होती है जो भूख को ट्रिगर करती है, इसलिए खाना भी ज्यादा खाया जाता है। लेकिन वर्कआउट की कमी, कैलोरी कम बर्न होना और वजन बढ़ने लगता है, ये इसके फैक्टर। असल में मोटापा खुद तो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हार्ट प्रॉब्लम, लिवर, कैंसर, शुगर, आर्थराइटिस जैसी बहुत सारी बीमारियों की वजह से होती है। एक्स्ट्रा फैट से बना बैड कोलेस्ट्रॉल ब्लड प्रेशर भी हाई करता है। ओबेसिटी से 100 बीमारियों के खतरे को जानते समझते हुए भी लोग मोटापे को सीरियसली नहीं लेते, और इसी लापरवाही की वजह से दुनिया में मोटे लोगों की गिनती में हमारा देश चीन और अमेरिका के बाद 30वें नंबर पर पहुंच गया है। भारत में करीब 24% महिलाएं और 20% पुरुष ओवरवेट हैं, ज्यादा वजन रखते हैं। बच्चों की अगर बात की जाए तो देश में करीब 2 करोड़ बच्चे ओबीज हैं, और ये तादाद ऐसे ही बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया में सबसे ज्यादा मोटे लोग हमारे यहाँ हिंदुस्तान में होंगे। और इसका असर सिर्फ लोगों की सेहत पर ही नहीं बल्कि देश की इकोनॉमी पर भी पड़ेगा, क्योंकि जो एक स्टडी सामने आई है उसके मुताबिक ओबेसिटी को महामारी बनने से रोका नहीं गया तो साल 2060 तक मोटापे पर खर्च का बजट 68 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। हुसैन, अब अगर ऐसे हालात से बचना है तो वजन को कंट्रोल करना ही होगा, मोटापे को हराना ही होगा, और इस मिशन को पूरा करने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ लगातार है, वो आपको गाइड कर रहे हैं, जो कई सालों से आपका वजन कैसे कम होगा ये आपको बता रहे हैं, और 100 बीमारियों से लड़ने के तरीके भी रोजाना सिखा रहे हैं। तो स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आज भी वो बताएंगे कि आप अपना वजन कैसे कंट्रोल में रखें। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत। आपकी शेरों शायरी मेरे भाई हुसैन जी, जो तरह की छोटी और पूजा ने तो अपने गर्व को ही पूजा बना लिया है, और मेरे साथ भी यहाँ पर ये देखो अनु चौधरी अभी तो फूदा फूदा करके कर जोर से कर रही है, 14 किलो वजन घटाए हुए, जोरदार ताली बजा दो अनु के लिए। और क्या इसने इसने थायराइड भी ठीक किया, क्या हाल था थायराइड का? मैंने थायराइड से कितनी मोटी हो गई थी? बहुत मोटी हो गई। कितने? 2 mg की टैबलेट चल रही थी मेरी। और पेट कितना था? बहुत ज्यादा था। हाँ जी भाई, मेरे को बता रही करके बता नहीं कितना था? इतना था। हाँ जी, ऐसा लगता था कि पूरे पूरा ब्रह्मांड लिए घूम रही है। और अब कितना? 14 किलो कम किया, और ये भी खजामाकार है तो राजस्थान को लगे हरियाणा का चल करा। और ये इधर देखो नोली का रहकर भाई, ये तगड़ा सा लड़का वेद प्रकाश, क्या बात है, जोरदार कर दिया। अब देखो ये नोली कर रहा है, और पहले हालात इसकी एक ही इसका नोला हो रखा था। पहले क्या बात, पहले क्या आंटी में तेरी पर वेद प्रकाश पहले मेरा हमेशा आपरा आया हुआ रहता था, और पेट में बहुत ज्यादा गैस बनती, पेट ऐसे फूला फूला था इसका। और मैं जाकर भी ये अपनी नॉली क्रिया का या पहले से जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो नहीं कर रहा था। ये तेरा हालत कैसा था पेट का? तौंद बहुत निकली हुई थी बाबा जी, काफी पड़ी थी। इतनी? हाँ जी, अभी 3 साल इसके तौंद वाले के लिए पड़े हैं। स्वामी जी बच्चे के लिए स्थान तो हाँ, इसको घर ले जाना है, ठीक है। तो ये इससे सच में कम होता है, चल बेटा करो ताड़ा वजन तेजा ताड़ा। ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, इसका नाम जो है सुधीर है, बहुत मोटी तौंद लेके आया था, तो इसको हमने ये लौकी, और ये तो लौकी है, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है इसको उसके धनिया और पुदीना के साथ ना, थोड़ा तुलसी के साथ, नींबू के साथ इसका जूस पियो या इसका सूप पियो। ताड़ासन तेजक ताड़ासन पूरा पैकेज बता रहे हैं। और ये पेठा, पेठे का जूस पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देता है और वेट भी कम करता है। किसी किसी को जैसे लास्ट वाली बहन जी है, देखने में ठड़ी तड़ी लग रही है, तो इसका समय भी ठीक हो गया। प्रेम यूरिक एसिड था,
यूरिक एसिड 14 किलो उन्होंने वजन कम किया। का सूप पी लो या इसका पेठे का जूस या सूप पी लो। जो लोग हार मान के बैठे हैं स्वामी मेरे भाई, उनके लिए प्रेरणा का सबब बन सकते हैं जी मेरे भाई जी, कि इतना वजन वो लोग अगर कम कर सकते तो जो लोग घर बैठे देख रहे हैं वो क्यों नहीं कर सकते। 20 किलो कम किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज स्वामी जी पूरे कार्यक्रम में हमारा फोकस जो है वो मोटापे पर रहने वाला है, और आज धरती माता भी हम लोग को शुक्रिया कहेंगी, आपको शुक्रिया कहेंगी, इंडिया टीवी का शुक्रिया कहेंगी कि हमने थोड़ा वजन कम करवाया। स्वामी जी देखिए, हमारे देश में 14 करोड़ लोग जो है वो मोटापे के शिकार है, तो देश की आबादी का वेट लॉस करने के लिए, वेट कम करने के लिए पूरा कंप्लीट कोर्स तो आप कराइएगा कराइएगा। और साथ ही साथ ये भी बताइए स्वामी जी कि किस हिस्से का फैट कम होगा, किस योग से, कौन सा योगाभ्यास किस किस हिस्से का, बॉडी के हिस्से का वेट जो है फैट वहां का बर्न करता है। अभी हम पर्यताड़ासन और त्रिकोणासन कर रहे थे, ये तो साइड का वजन कम करने के लिए, ये वाले ये अभ्यास और ये त्रिकोणासन और ये तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक माने टेढ़ा, ताड़ासन माने ताड़ासन, ताड़ासन ऊपर खींचे तो ताड़ासन, ये तिर्यक ताड़ासन, ये इधर का भी। फिर ये पेट और पीठ, ये जो भाग है ना यहाँ, इसके वेट को कम करने के लिए ऐसे ऐसे करा लो। आज तेरा 1 किलो और कम करना है अभी, ऐसे ऐसे। कमर में दर्द हो तो बस हाथ ऐसे घुटने तक लिए, ये पेट और पेट का एक साथ वेट कम करने के लिए। और जब वेट बढ़ता है ना तो साइड में भी बढ़ता है, पेट पर भी बढ़ता है, थोड़ी सी अर से लेके डबल चीज तैयार हो जाती है। तो ये कुछ को तो ऐसे हो जाता, बैलेंस ही बिगड़ जाता, आगे और पीछे से, आगे और पीछे का एक्सेस फैट कम हो जाएगा। हमारे शरीर में करीब 60% तो मसल्स का वेट होता है, हमारे शरीर में करीब 20-25% फिर फैट होता है। अब ये फैट का कंटेंट बढ़ जाता है, इसी को ओबेस्ट बोलते हैं। फिर हड्डियों का वेट लगभग 2% होता है, लगभग 2% हड्डियों का वेट, लगभग 20% फैट का वेट, और लगभग 60% हमारा जो है मसल्स का वेट होता है। बाकी सब जगह वाटर कंटेंट तो होता ही, बाकी और छोटे छोटे मिनरल्स विटामिन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उससे बन करके ये शरीर का ताना बाना, ये हमारा शरीर का घर बनता है। तो ये आगे पीछे ऐसे करने से आगे का और पीछे का, किसी के खुल्ले बहुत बड़े हो जाते हैं, किसी का पेट तोंद बहुत बड़ी हो जाते हैं, तो आगे पीछे से पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस होगा। चलो बैठ जाओ, अब बैठ करके ये बिल्कुल इजी है, ये ऐसे ऐसे ऐसे। अब इससे पेट का और पीठ का ये जो वेट है ना, ये विशेष करके ये तोंद बढ़ती है ना, ये इससे ठीक हो जाती है, ऐसे ऐसे। एक एक दिन में 1-1 किलो वजन कम किया एवरेज, लगभग लगभग। ये मेरे सामने बैठी है, ये जो है कोनी का लंबे लंबे श्वास। स्वामी जी योगाभ्यास आपने करवाने की शुरुआत तो कर ही दिए, और जो जरूरी बात है वो भी आप बता रहे हैं। एक बड़ी अच्छी और जरूरी सी बात है, वो भी जरा दर्शकों को सुनवाना चाहता हूँ। स्वामी जी, एक स्टडी ये है कि मोटे लोगों को अगर टोका जाए तो उनकी मोटापे से लड़ने की क्षमता कम होती है, और मोटे को मोटा कह दीजिए तो नाराज अलग होता है। लेकिन उज्जैन के एक सांसद है अनिल फिरोजिया, उन्होंने ओवरवेट लोगों के लिए एक मिसाल पेश की है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कहने के बाद उन्होंने अपना वजन 32 किलो कम कर लिया, लेकिन एक शर्त थी स्वामी जी इसमें, तो पहले जरा सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम इस पर बात करेंगे। जी, मेरा वजन आपसे ज्यादा था, 135 किलो था, अब मेरा 93 हुआ है। मैंने अभी उनको मेरा एक पुराना फोटो दिखाया, तो लोगों को पहचान में नहीं आता। तो जितना किलो वजन कम करेंगे उतने 1000 करोड़ उज्जैन के लिए दूंगा। अभी माननीय सड़क परिवहन मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी का भी उज्जैन आगमन हुआ था एनएचआई की सड़क के शिलान्यास में, और उन्होंने मंच से कहा था कि अगर सांसद जी आप अगर अपना वजन कम करेंगे तो प्रति 1 किलो पे मैं आपको
1000 करोड़ रुपए उज्जैन आलोर संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए दूंगा, तो मैंने उसको चैलेंज के रूप में आत्मसात करा। ये तो बड़ा जबरदस्त है। 8 महीने पहले स्वामी जी गडकरी जी ने ये चैलेंज दिया था फिरोजिया साहब को, और सोमवार को उन्होंने गडकरी से मुलाकात करके उनको बताया कि उन्होंने वजन कम कर लिया है, 1000 करोड़ रुपए मिलता हो और 23 किलो कम किया है, मतलब 23,000 करोड़ रुपए उनके क्षेत्र को मिलने वाले पर केजी वेट के हिसाब से। ये तो बड़ा जबरदस्त सौदा है स्वामी जी। कोई मुझसे भी कहे अयोध्या क्षेत्र को ऐसा ही फायदा हो तो मैं भी इसके तैयार। 32 किलो वजन कम किया स्वामी जी ने। तो देखो ये देखो एक बात सुनो हुसैन भाई जी जी, ये शरीर हजारों नहीं, स्वामी रामदेव का शरीर तो कम से कम 5-10 लाख करोड़ रुपए का है। कितने का? मुझे लगता है अनमोल करोड़ ही नहीं लगता। तो ये शरीर की दौलत है, बाकी तो इसलिए ये शरीर बच जाएगा। 1 किलो वजन कम करने से कम 1000 करोड़ रुपए का सबको फायदा होगा। कितना? दौलत ही मिल जाएगी पूरी। सब मुस्कुरा रहे हैं, आज तो स्वामी जी भी कुछ गिफ्ट देने वाले हैं। सोचिए लोगों का वजन कितनी तेजी से गिरना शुरू हो। सुनो, एक तो ये करना और फिर भोजन अर्क पी लो तो स्पीड और बढ़ जाएगी। मैं तो हरबटी के साथ या वेट गो के साथ, और त्रिफला का पानी पी लो या त्रिफला गुग्गल खा लो, लौकी का जूस पी लो, कद्दू का जूस पी लो, और खाने में अनाज नमक मीठा बंद करके यही खाया करो, वाटरमेलन तरबूजा और पपीता। और सेव सबको मिलते नहीं, बड़े महंगे हो गए हैं, हमने सुना है अडानी फैशन अभी सेव के रेट। स्वामी जी देखिए, लेकिन इस मामले में किसानों को कितना मिल रहा है पता नहीं। एक बड़ी खास बात ये लगी, अमरूद सबको मिल जाता है और गमले में भी लगा सकते हैं, हमने गमले में लगाया हुआ। कुछ कह रहे हुसैन भाई? मैं कह रहा हूँ स्वामी जी देखिए, इस मामले में एक बहुत खास बात ये लगी कि गडकरी साहब ने नसीहत दी कि अगला सेहतमंद रहे, यानी फिरोजिया साहब सेहतमंद हो जाए। फिरोजिया साहब ने इस टास्क को, चैलेंज को एक्सेप्ट किया, इसके जरिए अपने इलाके के लोगों का कितना भला किया, और अपना भला तो किया ही किया। यही प्रेरणा। और इंडिया टीवी ने करोड़ों लोगों का भला किया है। तो उतार कार्य मजाक आदमी रतन शर्मा जी के लिए, रमेश जी के लिए, अनिता जी के लिए, पंकज जी के लिए, हमारे हुसैन भाई के लिए, ज्योत्सना, पूजा, प्रिया, मीनाक्षी बहन, चलो उल्टे लेटो, आपने भी करोड़ों लोगों का भला किया। उसका इवेल्युएट किया जाए कि इससे कितना फायदा हुआ, कितने लोगों का वेट कम हुआ, कितने लोगों का बी पशु कर था, अर्थराइटिस, कैंसर ठीक हुआ। तो लाखों करोड़ का फायदा कर दिया आप देश का आपने, तो बहुत पुण्य मिलेंगे। समाचार सुनाते सुनाते उपचार और उपकार कर दिया देश के ऊपर। चलो मेरा विश्वास 10-20-25-50 दो बार ऐसे करना स्वामी जी। हम तो अपना पेट का भी कम होगा, कमर भी अच्छी होगी, और आप रहे, हमारी यही कोशिश है, आपकी भी यही कोशिश है। स्वामी जी सर्दियां देखिए आने वाली है, और सर्दियों में वजन तेजी से बढ़ता है, ये हम सब जानते हैं। ज्यादा खाना, वर्कआउट का कम होना, सर्दी में आलस भी बहुत होता है, लोग कंबल से, ब्लैंकेट से बाहर नहीं निकलना चाहते। तो वजन को मेंटेन रखने के लिए क्या किया जाए, खासतौर सर्दियों में? जाते जाते देश के मोटे लोगों की जो बीपी है वो कहीं ये वाली सर्दी और इजाफा न कर दे उसमें। आप देखो, एक तो आपने ना हुसैन भाई आंकड़ों के साथ बहुत नाइंसाफी की है। आपने जिनका वजन 20-25-30 किलो बढ़ा हुआ उन्हीं को मोटा माना है, या तो हर दूसरा आदमी मोटा है शहरों का, हर दूसरा आदमी। तो शहरों में देश की करीब जो है आधी आबादी रहने लग गई करीब करीब, अब वो पुराने जमाने की बात हो गई। शहरों में, कस्बों में आधी आबादी रहने लग गई। अब भारत की आबादी है 140, तो आधे कितने हो भाई? करीब 70 करोड़। 70 करोड़ में से आधे आदमी करीब करीब जो है 30-35 करोड़ आदमी तो बहुत ज्यादा मोटे हैं, और उसमें से जो आपने बताया ना वो बहुत थोड़े से, हर दूसरा आदमी मोटा। और किसी किसी घर में तो बापू मोटा, पत्नी मोटी, बच्चे फिर हाथी के बच्चे, हाथी जैसे। तो ये तो हंसी मजाक की बात है, कोई अपने ऊपर मत लेना भाई। तो पत्नी भी मोटी, पति भी मोटे,
और 25 एक दिन मैंने एक स्कूटर पर दिल्ली में मेरे को सीन याद आ गया और बापू होगा 1.5 क्विंटल का और बेटी होगी करीब 80 किलो की और छोटी सी स्कूटर की जान निकली जा रही है। मैंने सोचा ये इसका पंचर होगा ये कभी भी गिर सकते हैं। मतलब एक स्कूटर पर इतने तगड़ा बाप और इतनी तगड़ी बेटी। अब वो सब आज का शो देख करके फिर बेचारे स्कूटर के ऊपर भी अत्याचार नहीं करेंगे। तो सुनो ये भुजंगासन ये सर्वासन सच में बहुत ज्यादा हो रहा है। मोटा मोटी गुजराती में बोले जाड़ा जाड़ी कन्नड़ में बोले तो डुम्मा डुम्मी और तमिल तेलुगु में तो गुंडा गुंडी बहुत बुरा शब्द है। तो ये सीधे लेटो तो देखो ये अब आपने बोला था ना कहा किससे वजन कितना कम होगा इसे पेट का फिर ये तो इसे तो पेट का कम होगा फिर ये पैर घुमाते हैं ना इसे 100-200 बार घुमाना है।